हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्रैश कोर्सेस इस वीडियो में हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर के नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे प्रत्येक साल इस चैप्टर से मिनिमम फोर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्जाम के लिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है नीट टू में फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एसेल मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड्स बाई मिक्सिंग द फ्लोइंग इन क्लोज फ्लास्क सो so क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एस एल मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में अमीनो एसिड प्रोड्यूस करने का तो उन्होंने क्लोज फ्लैक्स में क्या क्या मिक्स किया था फर्स्ट ऑप्शन है सी एच फोर एच टू एन एच थ्री एंड वाटर वेपर एट 800 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सेकेंड ऑप्शन सी एच थ्री एच टू एन एच फोर एंड वाटर वेपर एट एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वैसे ही बाकी दो ऑप्शन आप रीड करें सी एच फोर एच टू अमोनिया एंड वाटर वेपर एट सिक्स हंड्रेड डिग्री सी एच थ्री एच टू अमोनिया एंड वाटर एट सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो जना पहले बताइए आपकी सही टेम्परेचर क्या होगा सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस या एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो जी हाँ आपने सही बोला करेक्ट टेम्परेचर होगा एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ओके तो ये दो ऑप्शन लास्ट के दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट गए इनकरेक्ट अब हमें चूज करना है ए और बी में से क्या होगा तो हमें पता है कि क्या लिया गया था सी लिया गया था ना कि सी एस मिलर ने लिया था मिथेन को ओके okay? तो एस मिलर ने क्या लिया था मीथेन लिया था हाइड्रोजन लिया था अमोनिया लिया था एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस yes. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे वन सेकेंड पूछा गया है नीट 2020 में नीट 2020 में पूछे गए थे फोर क्वेश्चन इस चैप्टर से तो सेकेंड क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजिकल ओके सेकेंड क्वेश्चन इज एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव बाय एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन जो हाइपोथेसिस था उसे किसने डिसअप्रूव किया फर्स्ट है कार्ल अर्नेस्ट ऑन बेयर सेकेंड है अल्फ्रेड वेलेस थर्ड है चार्ल्स डार्विन एंड फोर्थ है ओपेरिन ओके सो तो आप सही जवाब बताएं सही जवाब होगा इसका फर्स्ट कार्ल अर्नेस्ट ऑन बेयर तो कार्ल अर्नेस्ट ऑन बेयर ने डिसअप्रूव किया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन को ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड तो डॉल्फिन और पेंगुइन्स के जो फ्लिपर होते हैं वो एग्जाम्पल हैं एडेप्टिव रेडिएशन के कन्वर्जेंट इवोलूशन के या फिर इंडस्ट्रियल मिलेजम के या फिर नेचुरल सेलेक्शन के तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओके okay? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या बी ओके बी इज करेक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्यों क्योंकि दोनों का ओरिजिन सेम है सॉरी ओरिजिन डिफरेंट है पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स दोनों का क्या है ओरिजिन पेंगुइन्स और डॉल्फिन दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है फंक्शन सेम है तो जब ओरिजिन डिफरेंट हो और फंक्शन सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ओके उसे हम क्या कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पैंगविन जो कि एक बर्ड है डॉल्फिन मैमल है ओके okay? डॉल्फिन क्या है एक मैमल है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्वेश्चन जो कि पूछा गया है नीट 2020 में क्वेश्चन रीड करें मेरे साथ और एंसर जरूर नोट करें। विच ऑफ़ द फ्लोइंग रेफर टू द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवोल्व ड्यू टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट ब्रॉड एवॉर्ड बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन ओके एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है ह्यूमन इंड्यूसड इवोल्यूशन ओके तो हमें बेसिकली चूज करना है कि इनमें से कौन से हैं जो हुमन इंड्यूज इवोल्यूशन है हुमन के एक्टिविटीज के कारण इंड्यूज हुए इवोल्यूशन है तो फर्स्ट है फर्स्ट क्या है डारविन फिंचज ऑफ गैलपोगा आइलैंड ओके थर्ड है सेकेंड uh, है हर्वी रेसिस्टेंट विथ्स थर्ड ड्रग रेसिस्टेंट यू कैरियर्स एंड फोर्थ है फर्स्ट ऑप्शन डार्विन फिंचज ऑफ गैलोगास आइलैंड ये क्या है ये ह्यूमन इंड्यूज है नहीं ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है ओके okay? ये नेचुरल सेलेक्शन का एग्जाम्पल है जबकि हर्बी साइड रेसिस्टेंट विच हाँ ये ह्यूमन इंड्यूस्ड रिवोल्यूशन है ड्रग रेसिस्टेंट यू कैरियर हाँ ये भी ह्यूमन इंड्यूस्ड है मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेशन एनिमल्स लाइक डॉग ये भी ह्यूमन इंड्यूस्ड रिवोल्यूशन है कैसे जैसे कि अगर सेकेंड ऑप्शन देखें हर्बी साइड रेसिस्टेंट तो हमने क्या किया ज़्यादा से ज़्यादा हर साइड का यूज़ किया जिसके चलते जो वीड थे वो क्या हो गए हर भी साइड रेसिस्टेंट हो गए उनमें इवॉल्व हो गए वो इवॉल्व होकर हर भी साइड जो हर साइड हम लोग यूज़ कर रहे थे उसके लिए रेसिस्टेंट हो गए वैसे ही जो हम ड्रग यूज़ करते हैं तो यू कैरियोर्स क्या हो गए ड्रग ड्रग ड्रेस, रेसिस्टेंट हो गए और मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग ओके ये भी तीनों क्या है ह्यूमन इंड्यूस्ड इवोल्यूशन है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू थ्री एंड फोर और आइए मिला आपको फोर मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पूछा गया है टू थाउजेंड नाइनटीन में क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन रीड करें वेरिएशन कॉज्ड बाई म्यूटेशन एज प्रोपोज बाई ह्यूगो डिवरिज आर तो वेरिएशन जो ह्यूगो डिवरीज ने प्रपोज किया था वेरिएशन कॉज बाई म्यूटेशन वो क्या होता है स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस या फिर रैंडम एंड डायरेक्शनल या फिर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस और या फिर स्मॉल एंड डायरेक्शनल ओके तो इसका सही जवाब होगा सी रैंडम एंड डायरेक्शनलेस करेक्ट आंसर होगा रैंडम एंड डायरेक्शन लेस म्यूटेशन क्या होता है रैंडम होता है ठीक है और डायरेक्शन लेस होता है कब कहाँ म्यूटेशन हो जाए ठीक है जबकि नेचुरल सेलेक्शन क्या होता है नेचुरल सेलेक्शन डायरेक्शनल होता है स्लो होता है बट डायरेक्शनल होता है ओके करेक्ट ऑप्शन होगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि नीट टू थाउजेंड नाइनटीन में पूछा गया है बेस्ड है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को अ जीन लोकस हैज टू ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एल कैपिटल ए इज जीरो पॉइंट फोर ओके कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी कितना है कैपिटल ए एल का फ्रीक्वेंसी है जीरो पॉइंट फोर देन वाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन तो बेसिकली हमें फ्रीकवेंसी निकालना है तो अगर हमें दे रखा है कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी जिसे हम क्या मानते हैं मान लो स्मॉल पी तो ये हो गया जीरो पॉइंट फोर तो हमें स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी जो कि क्यू होगा वो कितना हो जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट फोर जो कि हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स ओके अब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब हमसे पूछा जा रहा है क्या कैपिटल ए कैपिटल ए तो ये क्या होता है पी स्क्वायर के बराबर अगर आपने हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा हो तो होता है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ओके तो पी स्क्वायर क्या हो गया होमे होमोजाइगस डोमिनंट का फ्रीक्वेंसी हो गया और ये हेट्रोजाइगस का फ्रीक्वेंसी टू पी क्यू और क्यू स्क्वायर क्या हो गया रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव का फ्रीक्वेंसी हो गया ओके okay. मतलब पी स्क्वायर हो गया कैपिटल ए ए टू पी क्यू हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी और क्यू स्क्वायर हो गया स्मॉल ए स्मॉल ए का तो कैपिटल ए कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी होगा पी स्क्वायर जीरो पॉइंट फोर का स्क्वायर जो कि हो जाएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स वैसे ही कैपिटल ए स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी होगा टू पी क्यू टू इन टू पी कितना है जीरो पॉइंट फोर और क्यू कितना है जीरो पॉइंट सिक्स तो सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट पॉइंट फोर एट ओके वैसे ही हम रिसेसिव स्मॉल ए स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर क्यू कितना है जीरो पॉइंट सिक्स टू डी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स मैच कर लेंगे मैच करेंगे देखो मैच करेंगे कैपिटल ए ए का कितना आया जीरो पॉइंट वन सिक्स कैपिटल ए स्मॉल ए का कितना आया जीरो पॉइंट फोर एट और स्मॉल ए स्मॉल ए का कितना आया तो जीरो सही जवाब होगा क्या डी डी इज़ करेक्ट मैच कर सकते हैं डी इज करेक्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है नीट टू में चलिए रीड करते हैं इन अ स्पेस द वेट ऑफ न्यू बर्न रेंजेज फ्रॉम टू टू फाइव के जी नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन थ्री टू थ्री पॉइंट थ्री के जी सर्वाइव वेर वेर एज नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ़ द इन्फेंट्स बॉर्न विद वेट्स फ्राम टू 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 पॉइंट फाइव और फोर पॉइंट फाइव टू फाइव के जी डाई विच टाइप ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस तो बेसिकली हमें बताना है कि कौन सा सिलेक्शन इस केस में हो रहा है क्या हो रहा है कि एवरेज जो वेट वाले हैं थ्री टू थ्री पॉइंट थ्री के जी वाले वो तो सर्वाइव कर जा रहे हैं लेकिन जो एक्सट्रीम वेट वाले हैं या तो मिनिमम वाले या फिर मैक्सिमम वाले वो क्या हो रहे हैं सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो इस सिलेक्शन को क्या कहा जाता है साइक्लिकल सिलेक्शन या फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन या फिर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या फिर डिसरप्टिव सिलेक्शन तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या करेक्ट आंसर होगा एस्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ओके क्यों स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या फेवर करता है एवरेज साइज इंडिविजुअल्स को फेवर करता है और एलिमिनेट करता है एक्सट्रीम इंडिविजुअल्स को तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब द नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा गया न्यू टू थाउजेंड में करना है हमें मैच मैच द होमिनि विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज तो हमें ब्रेन साइज से मैच करना है चलिए होमोहैबलिस का ब्रेन साइज बताइए ऑप्शन ए है होमोहेबलिस होमोहेबलिस का ब्रेन साइज आप बताएं होमो होमोहेवलिस का ब्रेन साइज फिर होमो होमोनियनडर्थल का ब्रेन साइज होमो इरेक्टस का और होमो सेपियंस का ब्रेन साइज इन चारों के ब्रेन साइज आप मैच करें चलिए मैच करते हैं होमो होमोहेवलिस का ब्रेन साइज होता है साढ़े छह सौ से आठ सौ सी सी ओके okay? होमोनियनडर्थल्स का ब्रेन साइज होता है कितना चौदह सौ सी सी होमोनियनडर्थल्स का ब्रेन साइज चौदह सौ होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज होता है 900 सीसी होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज हो गया 900 सीसी और होमोसेपियंस का ब्रेन साइज होता है साढ़े तेरह सौ सी सी तेरह सौ पचास सी सी मतलब हम लोग का तो चलिए मैच कर लीजिए ए का क्या हुआ ए का थ्री ए का थ्री, थ्री बी का बी का फोर ए का थ्री बी का फोर जा रहा है डी ऑप्शन ए का थ्री बी का फोर सी का वन एंड डी का टू करेक्ट ऑप्शन हो गया डी डी इज करेक्ट ऑप्शन ओके मैचिंग में कौन करेक्ट हुआ डी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे ब्रेन साइज ये जरूर याद कर लीजिएगा प्रत्येक साल ब्रेन साइज पे क्वेश्चन आ ही जाता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन ओरिजिन और इवोल्यूशन ऑफ मैन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो चलिए स्टेटमेंट पढ़िए फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं एग्रीकल्चर केम अराउंड फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स बैक क्या यह करेक्ट है नहीं एग्रीकल्चर कबाया था एनसीआर टी का लाइन है एग्रीकल्चर केम अराउंड टेन थाउजेंड ई ईयर्स बैक ओके तो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे फर्स्ट हो गया रॉन्ग नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे द द्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस द ड्रायोपिथेकस एंड रामा पिथेकस प्राइमेट एग्जिस्टिंग फिफ्टीन मिलियंस ईयर्स एगो वाक्ट लाइक मैन तो देखिए यहां तक तो सही था कि ड्राइव पिथेगस प्राइमेट्स एग्जिस्टिंग 50 फिफ्टी मिलियन एगो यहां तक तो सही था लेकिन लाइक गोरिला एंड चिंपांजी नॉट मेन मेन नहीं होना था क्या होना था गोरिला एंड चिंपांजी तो ये भी करे, इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे होमो होमोहैबलिस प्रोबेबली एट मीट क्या ये करेक्ट है नहीं ये भी रॉन्ग हो गया एनसीईआरटी का लाइन है होमो होमोहैबलिस डिड नॉट ईट मीट ओके द प्रोबेबली डिड नॉट इट मीट अगर यहां पर हो जाता होमोहेबलिस के जगह होमो इरेक्टस होता तो ये करेक्ट हो जाता है ठीक है होमो इरेक्टस के बारे में एनसीआर टी में कहा गया है कि होमो इरेक्टस प्रोबेबली इट मीट ओके प्रोबेबली एट मीट ओके अब डी ऑप्शन पे चलते हैं नियंत्र मेन लाइव इन एशिया बिटवीन वन लाख एंड फोर्टी थाउजेंड ईयर्स बैक ये करेक्ट है ठीक है वन लाख से फोर्टी थाउजेंड ईयर्स बैक ठीक है लाइव इन एशिया तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे नीट okay, 2019 तक के क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे नीट 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्बा ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ तो वर्टिब्रेट्स में जो बोन स्ट्रक्चर्स फोर लिंब का होता है वो सिमिलर पाया जाता है तो ये एग्जांपल है किसका होमोलॉजी का एनालॉजी का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का या फिर एडेप्टिव रेडिएशन का तो अगर वर्टिब्रेट्स की फोर लिम्स के बारे में बात करें तो इनका क्या होता है इनका वर्टिब्रेट्स की फोर लिम की अगर बात की जाए तो ये शो करते हैं होमोलोगी ओके कैसे क्योंकि इनका ओरिजिन तो सेम है ठीक है ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन क्या होता है डिफरेंट होता है वर्टिब्रेट में जो फॉरलिम होते हैं सबके फंक्शन अलग अलग पाए जाते हैं ठीक है ओके जैसे किसी में फोर लिम्स उड़ने में मदद कर रहे हैं जबकि किसी में चलने में मदद कर रहे हैं ठीक है वैसे ही तो ये हो गया एग्जांपल होमोलॉजी का ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21। वन अमॉन्ग द फ्लोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल्स फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन तो हमें जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं उसके रिलेटेड जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से हमें इनकरेक्ट चूज करना है बेसिकली हमें ये चूज करना है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ओके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का अगर मैं बता दूँ तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है कुछ ऐसा ओरिजिन होता है सेम बट इवॉल्व होकर उनके फंक्शंस हो जाते हैं डिफरेंट ओके ओरिजिन होता है सेम और इवोल्व होकर क्या हो जाते हैं फंक्शंस हो जाते हैं डिफरेंट तो इनमें से कौन सा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है चलिए रीड करते हैं फोलिम्स ऑफ मैन बैट एंड चीटा ठीक है फोर्म्स ऑफ मैन बैट एंड चीटा ये तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है क्योंकि ओरिजिन तो सेम है बट फंक्शंस डिफरेंट है ओके चीता में क्या होता है चलने में मदद करता है बैट में उड़ने में मदद करता है हम लोग में कुछ वर्किंग खाने ये सब में मदद करता है ठीक वैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता इसमें भी ओरिजिन सेम हो गया बेसिकली हमें ओरिजिन देखना होता है होमोलॉजी या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए हमें ओरिजिन देखना होता है अगर ओरिजिन सेम है तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सॉरी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा हमें होमोलॉगी या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या देखना होता है ओरिजिन देखना होता है ओरिजिन सेम है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो चलिए ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीटा ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीटा ये भी करेक्ट है क्या ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया ओरिजिन सेम है आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन ओरिजिन हो गया डिफरेंट ओरिजिन कैसे ऑक्टोपस हो गया rates, और बैट एंड मैन हो गया ओरिजिन हो गया डिफरेंट फंक्शन सेम है तो ये डाइवर्जेंट का नहीं है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया डी डी इज करेक्ट ओके नेक्स्ट चलेंगे जो कि पूछा गया नीट 2018 में अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन साल्टेशन फिनोटाइपिक वेरिएशन या फिर माइनर म्यूटेशन तो हीज के अनुसार का क्या था? सिंगल स्टेप साल्टेशन क्या होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन तो ह्यूगो डेवरीज ने जो प्रपोज किया था वो था साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन ओके सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन तो सो थैंक यू स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किए नीट टू से टू के बीच में पूछे गए नीट में पूछे गए क्वेश्चन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें सो थैंक यू